प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबका मैं अपने अपने महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति ही इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि शिक्षक दिवस जैसा कार्यक्रम भूतो न भविष्यति। शिक्षक निर्माता होता है, गुरु राष्ट्र निर्माता होता है और भारत देश का तो पथ पथ में विकास गुरु परंपरा से हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य चाणक्य ने यह उद्घोष किया था कि आर्य कभी पद दलित नहीं होते, इसलिए कि जब जब भी समाज में तकलीफ आता है, संकट आता है, सभ्यता संकट में पड़ती है तो गुरुओं का जन्म होता है और उन गुरुओं से चाहे वह वशिष्ठ और विश्वामित्र के चरण में बैठ के राम राज्य बनाया जाए, चाहे वह सांदीपनि के चरण में बैठ करके कृष्ण का द्वारिका बसाया जाए, चाहे वह चाणक्य के चरण में बैठ करके अखंड भारत का निर्माण किया जाए। ये गुरु परंपरा का देश है। इस देश में हमारे बीच में जो एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ केरल के छोटे से गांव से लेकर के जो पूरे भारत में और विश्व के नक्शा में दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह प्रकाशित हो रहा है, ऐसे डॉक्टर राधाकृष्णन के चरणों में मैं नमन करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि भारत माता का हर बच्चा उन्हीं के तरह विद्वान हो, उन्हीं के तरह भक्त हो, उन्हीं के द्वारा सांस्कृतिक हमारे ये विधाओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक परंपरा पुस्तक लिखा है। मैं छोटी सी उनके बारे में याद दिलाना चाहती हूँ कि वो केवल धर्मशास्त्र नहीं थे बल्कि धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ थे। जब पूरा विश्व पूरा पाश्चात्य देश कह रहा था कि धर्म का अर्थ रिलीजन होता है, बांधना होता है, तो उन्होंने बड़े निर्भीक भाव से और स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म वांग्मय में जो वैदिक वांग्मय में लिखा हुआ है धी धारयति धर्म, वही धर्म का अर्थ है। अर्थात जो धारण करे वह धर्म है और धारण का मतलब होता है इस जीव भूतो महाभाव बाहो, ये सारे संसार को जीव ने धारण किया है, पूरे जीव को सत्य ने धारण किया है, वही उसका धर्म है। शक्कर का धर्म मिठास है क्योंकि मिठास ने शक्कर को धारण किया है। सूर्य का धर्म तेज है क्योंकि तेज ने सूर्य को धारण किया है। वैसे ही मानव का धर्म सत्य है, सत्य ने ही हमको धारण किया है। इसलिए धर्म का अर्थ विराट है और उन्हें विस्तृत रूप से धर्म की व्यापक व्याख्या की और भारत माता के गौरव को पूरे विश्व में प्रथम नंबर में ला करके खड़ा कर दिया कि भारत जगत गुरु था, जगत गुरु है और जगत गुरु रहेगा। तो ऐसे महान विद्वान प्रोफेसर राधा कृष्णन को एक बार मैं फिर याद करती हूँ। और थोड़ी सी मैं अपने महाविद्यालय के बारे में बता दूँ कि मेरा जो महाविद्यालय हमारे जो विकास पुरुष है, जो संस्थापक हैं, जो संरक्षक हैं और जिन्होंने अपने खून पसीना से इस महाविद्यालय को न केवल जन्म दिया बल्कि सींचा पाला पोसा बढ़ाया और एक माली की तरह देखभाल किया, पंडित रामनारायण शुक्ला जी 1969 में 107 बच्चों को लेकर के रात्रिकालीन महाविद्यालय को उन्होंने शुरुआत किया। सम्माननीय रामेश्वर प्रसाद जी के सहयोग से और उसके बाद ये महाविद्यालय अपने विकास पथ पर आगे बढ़ा। आज उस घड़ी का साक्षी सम्माननीय बाके बिहारी शुक्ला जी यहाँ पर उपस्थित है। इन लोगों ने अपने श्रम से, अपने संघर्ष से धीरे धीरे कॉलेज को बढ़ाया। 1971 के बाद यह स्नातक कॉलेज के रूप में दिन में लगने लगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे महाविद्यालय में 1977 में बता रहे हैं कि यहाँ को फर्स्ट ईयर के छात्र थे, वो यहाँ पर अध्ययन किए हैं। इसलिए हमें गर्व है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पद्मश्री विभूषित विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय से निकला और पूरे भारत माता में छा गया उनकी जो ख्याति थी, तो इसलिए हम उनका फिर एक बार स्वागत करते हैं। और यहाँ के ऐसे बहुत लोग हैं, मैं यहाँ पर पंडित सुरेश चंद तिवारी जी बैठे उनका भी स्वागत करती हूँ, वो भी यहीं के छात्र रहे हैं और वो रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, मैंने बहुत बार उनका प्रवचन सुना है। आप सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पर। और हमारा महाविद्यालय निरंतर आगे बढ़ा और आगे बढ़ाने में हमारे
कानून में पंडित रमा खान मिश्रा जी और श्याम लाल चतुर्वेदी जी का विशेष योगदान रहा। उन लोगों ने निरंतर कॉलेज को आगे बढ़ाया। 1982 में हमारा महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पद को प्राप्त कर लिया। 1982 में समाजशास्त्र में पहले यहाँ क्लास शुरू हुआ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं चूँकि खुद समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, पूरे के पूरे बच्चे मेरिट में आए और आज छत्तीसगढ़ के जितने का महाविद्यालय है सभी में हमारा पढ़ाए हुआ विद्यार्थी, समाजशास्त्र विभाग का पढ़ाए विद्यार्थी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। फिर 84 में वाणिज्य विभाग खुला और स्नातकोत्तर की कक्षाएँ हिंदी में और राजनीति शास्त्र में खुला। उसके बाद 1989 के आते तक के भूगोल है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान सब स्नातकोत्तर कक्षाएँ खुली। 1991 में प्रभाकर पांडे जी के सहयोग से यहाँ पर कंप्यूटर विभाग संगणक विभाग का प्रारंभ हुआ और विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ हो गई। और धीरे धीरे आज हमारे पास अभी इस साल का जो प्रवेश है वो 4300 विद्यार्थी यहाँ पर प्रवेश ले चुके हैं और यहाँ पर 22 विभाग है और 22 विभाग में अच्छे से अच्छे प्रोफेसर पढ़ाई करवा रहे हैं। पिछले साल यहाँ DCA की क्लास शुरू हुई थी नए क्लास में, इस साल नया पाठ्यक्रम BSc गृह विज्ञान खुला और BBA ट्रेवल एंड टूरिज्म की क्लास चालू हुई है, वाइल्ड लाइफ का क्लास शुरू हुआ है, कंप्यूटर में मल्टीमीडिया एनिमेशन का क्लास शुरू हुआ है और मल्टीमीडिया एनिमेशन और वाइल्ड लाइफ छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। हमारे महाविद्यालय को खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके आप अभी साक्षी हैं। तो यहाँ का NCC विभाग नंबर वन पर है। यहाँ के NCC विभाग के जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हमारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। अभी आपने देखा कि क्रीड़ा विभाग यहाँ का इतना समृद्ध है कि यहाँ की लड़कियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाती है। अभी एक लड़की जिसको पुरस्कार मिला उसका चाइना में सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ जो सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है सृष्टि कांस्कार, वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करके आ चुकी है। ऐसे बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। हमारा जो लाइब्रेरी है, हमारे महाविद्यालय के जो संस्थापक पद प्रदर्शक रहे पंडित रामनारायण शुक्ला जी के कारण इतना समृद्ध हुआ कि आज हमारे लाइब्रेरी में पूरी पुस्तक है। और संदर्भ ग्रंथ लाइब्रेरी में ये कहूँ कि चाहे वह PV कांडे का पुस्तक हो, चाहे वह विष्णु सखराम खांडे की पुस्तक हो, चाहे शंकराचार्य का भाष्य हो, लोकमान्य तिलक का भाष्य हो, चाहे विवेकानंद का पूरा वॉल्यूम हो, इस तरह पुस्तक हमारे पास है। और मैं अभी बीच में हमारे हिंदी के विद्वान प्राध्यापक रहे गोकरण दुबे जी पधार चुके हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ और उनका भी मैं सम्मान करती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरा महाविद्यालय निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं एक सामान्य शिक्षक, मुझे इस प्राचार्य का जो गुरुतर भार मिला है, आप लोगों से मैं आशीर्वाद चाहती हूँ कि अपना कार्यकाल पूरे निष्ठा के साथ मैं व्यतीत कर सकूँ। आज हमारे बीच में हमारे शिक्षण समिति की परम सम्माननीय शीला तिवारी मैडम भी है, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को कॉलेज के बारे में जो बताई उसको भी एक चौथाई भाग नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा समय आप लोगों का मैं नहीं लूँगी। आज हमारे भी जो मुख्य अतिथि विराजमान हैं वो इस प्रकार उनकी लेखनी चलती है, यदि वो हंसाना चाहे तो हंसते हंसते आपके पास आप थक जाएंगे, यदि वो व्यंग करे तो उसमें माहिर है। छत्तीसगढ़ के कण कण में, छत्तीसगढ़ महतारी के गर्भ में लोक संस्कृति की अजस्त्र धारा प्रवाहित हो रही है और जो उसको कोई पढ़ता है, यदि कोई लिखता है तो हमारे पास जिंदगी कम पड़ जाती है, इतना हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो लोक साहित्य से संपन्न है। मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तपस्वी भी अधिको योगी, योगी तपस्वी से भी अधिक है, ज्ञानेभ्यो अधिको योगी, ज्ञानी से भी अधिक योगी है, कर्मेभ्यो अधिको योगी, कर्म करने वाले से भी योगी अधिक है। और इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन, वो एक योगी पुरुष है
हमारे महाविद्यालय का ध्येय वाक्य रहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है, तत्पर सैतेन्द्रिय। यदि हम इंद्रियों को संयुक्त करके ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त से शांति मोदी चेरा गच्छति, हमको एक शांति की प्राप्ति होती है। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए यह बताती हूँ कि छत्तीसगढ़ में लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्ति, मुहावरा, लोक विश्वास, लोक कला, लोक परंपरा, लोक धर्म की धारा प्रवाहित हो रही है, और कुछ बात मैं उनको सुनाना चाहूँगी। यह कि छत्तीसगढ़ की जो लोकगीत है वो इस तरह से समाज का एक दृश्य झलक देता है। मैं समाज शास्त्र की विद्यार्थी हूँ, एक मैं आपको लोकोक्ति कहना चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, सास गए गांव तो कहाँ कहाँ जाओ, नहीं सैया गए गांव तो कहाँ कहाँ जाओ, और सास गए गांव तो का खाओ। ये समाज को दृश्य इंगित करता है कि उस समय का समाज क्या था। पर्दा प्रथा थी, पति के सामने निकलते नहीं थे, कहीं जाने की बंदिश थी, यदि गया है पति परदेश तो सखी सहेली से मिलाऊं। आज तो हम कहीं भी जा रहे हैं, उस समय नहीं जाते थे। तो ये लोकोक्ति समाज को बता रहा है, और सास के डर में बहू खा नहीं पाती थी मनपसंद खाना, तो सास गांव गई है तो उसके आते तक जो कुछ खाना है, बरा बबरा पपची बिजौरी बरी सबको मैं खा डालूँ। और इसका एक मैं घटना बताऊँ कि एक नई नवेली दुल्हन थी, वो नई नवेली दुल्हन ससुराल आई, और ससुराल आई, ससुराल में तो कोई छूट रहता नहीं है, पति से भी भेंट 5 बजे सुबह से आप काम में लगे रहो तो रात को होता था, किसको दुख दर्द बताए। एक दिन उसका पति उसको पूछा कि तुमको कुछ चाहिए क्या रात के समय में, तो बोली कि मुझको खीरा खाना है, और खीरा बाजार की खीरा नहीं, वो जो बारी में नार में जो लगा हुआ कच्चा खीरा जिसको केवची कहते हैं, केवची खीरा, और मैं केवची खीरा खाऊंगी। तो उसका पति बोला ठीक है। अब सुबह जैसे गया बारी से 2-4 अपने उस समय जो हमारे भाई बंधु लोग होते थे कमर में खोजते थे, तो कन्हिया में कोथिया के 4-5 ठो खीरा केवची लेके आया, और देखते कि कहीं माँ बहन देख न ले, छुपा के किसी भी तरह से अपनी पत्नी के हाथ में दिया और चला गया। और बेचारे भी क्या हो गया करके डर के मारे, वो जो खीरा थी उसको उस समय नमक का जो रखने का मिट्टी का बर्तन होता है उसको पौला कहते हैं, वो पौला में लेके और डाल दी। अब उसके बाद रात का इंतजार करने लगी, और जब रात हुआ तो पौला को देखी तो कुछ भी नहीं था। अब वो आकर कमरा में जार जार रोने लगी, उसके पति ने पूछा क्या हो गया, बोली वो तो टघल के पानी बन के खाच नहीं पा। तो ये एक ठो जो उसमें लोकोक्ति में इतना भाव भरा है कि सैया गए गांव तो कहाँ कहाँ जाओ, और सास गए गांव तो का खाओ। ये हमारी समृद्ध लोक संस्कृति छत्तीसगढ़ की, इसे हम पढ़े जाने समझे, और देखिए क्या है। जैसे हम गीत गाते हैं, अब बेटी कहती है कि बिटिया जन्म झल लेहा, तो क्यों नहीं लेंगे, बेटी को तो माँ बाप ज़्यादा प्यार करते हैं, सम्मान से शादी करते हैं, विदाई करते हैं, दान दहेज भी देते हैं। लेकिन बेटी का क्या कहती है कि घाट मकोरिया आओ घट पीपर ताल खजूर दुई पेड़ हो, तीन कहूँ पाते बाबा घोटी घाटी पीते धियरी जन्म झनी लेते हो, धियरी के जन्म बाबा बड़ दुख लागते बेटवा के बाद है परिवार हो। वो तो क्यों ऐसा कहती है, इसलिए कि जन्म लेते हैं उसको पता है कि लोग बार बार कहते हैं पराई धन है, इसको ससुराल जाना है, ससुराल जाना है, तो उस भाव को लेके वो जीते जीते जब बड़ी हो जाती है तो देखती है कि मेरे को मेरा विदा होगा तो मेरे घर के लोगों का क्या व्यवहार रहा। तो जब हम समाज शास्त्र में कोरिलेशन पढ़ाते हैं, हमारा ये विवाह इतना बड़ा संबंध को कोरिलेट करता है। देखिए 4 लाइन में कि माई तोरे कथे धियरी निसी दिन देखते हो, माई तोरे कथे धियरी निसी दिन देखते हो, बबा कथे 6 मास हो, अब भैया तोरे कथे धियरी तीजा उतिहारे, अब भौजी कथे में ये काम हो। मतलब माँ कह रही है कि बेटी मैं तुमको रोज देखूं, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, और पिता कहता है कि 6 महीना तक तुम्हारे बिन रह जाऊंगा, भाई कहता है 1 साल काट लूंगा, तीजा तिहार में जरूर आना बहन मिलने, अब भौजी कथी कोनो काम नहीं आएंगे, जरूरत नहीं है। ये समाज का सत्य है, और बेटी अपनी सारी जिंदगी भाभी के इशारे पे जीती है। माँ पिता दुनिया से चले गए,
भाई बोल नहीं सकता, भाभी आने का काम नहीं है, तो जिंदगी भर तीजा और तिहार में निहारते निहारते निहारते। मैं इस बार बोल रही थी कि अमोरा के कौआ नरिया थे तो मैं जानदार थे अमोरा कौआ। इस पीड़ा को लेकर हम नारी जीते हैं, और जब विदाई समय आता है और भाई पूछता है कि भाई अब देखिए मैं छत्तीसगढ़ की बेटी और मेरे अतिथि है छत्तीसगढ़ के बेटा सुरेंद्र दुबे जी, वो मेरे भाई और मैं बहन। भाई पूछ रहा है कि तुम की तू धिया न मन की तू धिया दुन मन की तू हर बदन मलिन हो, तो बेटी क्या कह रही है। देखो हमको जाने का दुख नहीं है, लेकिन हमको दुख क्या है, ना तो बाबा अन मन ना तो भैया दुन मन, ना तो हमर बदन मलिन हो ना तो हम उदास न मिल। और कारण क्या है, एक मलिन बाबा बदन हमारो दई थ कुंवारी कन्यादान हो, ऐठक छूट गए मोर बैठक छूट गए छूट गए बबन जी के द्वार हो, तुलसी के पत्र सन मैके मोरे छूट गए मैयन जी के गोद हो। हम दुखी क्यों हैं, हमको कोई दुख नहीं, जा रहे हैं इसलिए कि आपने हमारा दान कर दिया। दान का तो कोई अधिकार होता नहीं, और हमारा ऐठक बैठक छूट गया, पिता का द्वार छूट गया और माँ की गोदी छूट गई, वैसे जैसे तुलसी का पत्र छूटता है। और फिर भी हम नारी सशक्त हैं, बोलते हैं हंसते हैं, और कौशल्या बन के राम को जन्म देते हैं, देवकी बन के कृष्ण को जन्म देते हैं, पुतली बाई बन के महात्मा गांधी को जन्म देते हैं, और ये भारत माता की रक्षा में 24 घंटा पीछे से खड़े रहते हैं। अभी हमारे दुबे जी कह रहे थे कि रत्नावली नहीं होता तो तुलसीदास नहीं होती, तो बड़े गर्व की बात है कि हम सब नारी रत्नावली बने और हमारे घर के पुरुषों को तुलसीदास बना दे, ताकि युग युग तक ये राम कथा चलती रहे और हम गर्वान्वित होते रहे, त्याग करके भी विरहणी नायिका बन करके भी हम अपने देश की सेवा में लगे रहें। और मैं अब अंतिम में अपने वाणी को विराम देने के पहले आप सबके बीच में अतिथि के स्वागत में मैं स्वस्ति वाचन करती हूँ। यज्ञ न यज्ञ मय जंत देवास्तानिह धर्माणिह प्रथमासन तेह नाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्नः शन्ति देवाः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्ददासि। अब अंतिम में मैं डॉक्टर राजन प्रसाद शुक्ला जो मूलतः डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो है जो मूलतः प्राध्यापक थे और हमारे सभी प्राध्यापक गण के चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। महाविद्यालय में हम यह निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम एक नई ऊंचाइयों की ओर संस्था को ले जाएं। निरंतर यह प्रयासरत है प्रयास है कि नेक के बाद नेक में महाविद्यालय को ए ग्रेड मिलने के बाद जो शिक्षण की जो व्यवस्था है जो गुणवत्ता है उसे और उच्च स्तर पर ले जाया जाए। महाविद्यालय नगर में चार विश्वविद्यालयों के बीच और एक बड़े महाविद्यालय के बीच अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने में सफल रहा है। महाविद्यालय निरंतर आज भी लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि हम कैसे गुणवत्ता को और शिखर पर ले जाएं, कैसे बच्चों पे और नई विधाओं के विषयों को लाया जाए, बच्चों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा दी जाए। महाविद्यालय के प्रबंधन की ओर से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए निरंतर प्रबंधन की ओर से हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद परम सम्मानीय आदरणीय शुक्ल जी। दोस्तों भारत से आया हूं, भारत में रहता हूं, लेकिन आप मुझसे महान हैं क्योंकि आपके दिलों में भारत रहता है। दोस्तों ये उस शख्स का कथन है जिन्होंने 1980 में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन पर कहा था, और आज ये छत्तीसगढ़ के लाडले सपूत
इस डीपी विप्र महाविद्यालय के शिक्षक के मंदिर में मंच पर विराजमान हूँ। हास्य रस के अद्भुत कवि का एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया जयकार करता है, पूरी हिंदी जगत इनको सलाम करता है। भारत माता भूमि के गौरव, छत्तीसगढ़ माटी के लाडले पुत्र, गिने चुने रत्नों में एक रत्न, पूरा सदन जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करे परम सम्मानीय कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को। इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, नगमे वफा के हर साज पर गा नहीं सकते, आपका मिजाज आपके अंदाज इतने अजीज है हमें कि मंच पर आपका नाम लेकर बुला नहीं सकते। परम सम्मानी हास के अद्भुत कवि लोटपोट कर देने वाले ऐसे शक्तिमान पद्मश्री श्री सुरेंद्र दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। मैं तो ये सोचते रहे कि मोर नंबर लगी ही कि नहीं लगी, कबर के प्राचार्य महोदया के बड़ा सारगर्भित भाषण और प्राध्यापक मन संग ये तकलीफ है कि उन 40 मिनट के पीरियड लेते हैं, उनका आदत परे रही थी, उकर से कम में नहीं बैठे। बहुत बढ़िया बोलीस, बहुत ज्ञान के बाद बोलीस। जब ये कॉलेज में मैं आता हूँ तो मुझे 1978 याद आता है, जब इस कॉलेज के बीए फर्स्ट ईयर में मैंने जबरनिया एडमिशन लिया था। जबरनिया इसलिए एडमिशन लिया था कि उस समय मेरा डिबेट में नेशनल सिलेक्शन हुआ था और मैं इंटर्नशिप करने के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ने के बाद सरदार पटेल अस्पताल में आया हुआ था। यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि अगर आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो आपको श्रीनगर जाने को नहीं मिलेगा। मैंने एडमिशन लिया इस कॉलेज में और यूपीएससी की तैयारी के निमित्त एडमिशन लिया और बहुत कम दिन रहा, 6-8 महीने पढ़ा होगा, लेकिन उस 6-8 महीने में मुझे इस कॉलेज की सुगंध ऐसी लगी कि एक कोई गुरुकुल का आश्रम है। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक है समाज का निर्माता, समाज राष्ट्र का सेवक।